क्यों अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं ना भैया, अपने रिक्वायरमेंट कितनी है। ये तो आप लोगों के बीच में मैं आता हूं इसलिए कपड़ा पहनता हूं, नहीं तो मेरे को तो बिना कपड़ा पहने ही बहुत अच्छा लगता है। अब बिना कपड़ा पहने सब खुली हवा लगती है, जमीन पर सोते हैं, कोई समस्या ही नहीं, नहीं तो कमर में दर्द हो जाए। अभी भी जमीन पर ही सोता हूं, चाहे झोपड़े में रहूं या महलों में रहूं, देश में रहूं, दुनिया में कहीं पर भी रहूं, मैं मां की गोद में रहता हूं। धरती मेरी मां है, मैं इसका बेटा हूं। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथ्वी। देखो पहनने को कपड़े नहीं मिले, खाने को सामान नहीं मिला, पहने को जूते चप्पल नहीं मिले, बन गए गांधी। ये बात नहीं है मेरे भाई, जिंदगी का आप ये सब पालोगे ना तब आपको अगली चीज दिखेगी। तो एक बार पालो थोड़ा सा, इसको भी देख लो क्या है। इसलिए मैं कहता हूं धर्म अर्थ और काम जिसका सिद्ध नहीं होता उसको मोक्ष मिल ही नहीं सकता। इसलिए पहले धर्म की सिद्धि करो, जीवन में खूब समृद्धि पाओ और अपने जितने भी शुभ कामनाएं हैं उनको एक पूरा कर लो, फिर तुम्हारा मोक्ष होगा। अब अगली बात, ये तो मैंने धर्म और अध्यात्म की बात की, अब अगला काम है अपने को करना क्या है फिर। ठीक है, तो सृष्टि के अपने ऊपर उपकार हैं, ये तो ध्वनि की प्रतिध्वनि है इस ब्रह्मांड में, उपकार और प्रत्युपकार। इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अपने ऊपर कितने उपकार है, जिंदगी का मकसद क्या है। एक एक दिन की जिंदगी जीने के लिए ये सृष्टि अपनी कितनी मदद कर रही है। अच्छा बताओ, आप पेड़ पौधों के लिए हो कि पेड़ पौधे आपके लिए हैं? पेड़ पौधे किसको ऑक्सीजन दे रहे हैं? वो लकड़ी दे रहे हैं इमारत आदि के लिए, वो फल फूल दे रहे हैं, तो किसके लिए दे रहे हैं? हाँ, ये जो लौकी है, लौकी को हम खाते हैं कि लौकी हमको खाती है? तो लौकी हमारे लिए है कि हम लौकी के लिए हैं? लौकी किसके लिए? शाक सब्जियाँ फल फ्रूट किसके लिए? गाय दूध किसके लिए दे रही है? ये धरती किसके लिए? ये सूरज रोशनी किसको दे रहा है? सब हमारे लिए, तो हम किसके लिए? सब हमारे लिए और हम अपने लिए। सब कुछ हमारे लिए तो हम भी सबके बारे में सोचें, यही सेवा है, यही जीवन का मार्ग। तो सब कुछ अपने लिए, यह है सेवा तत्व, यह है सेवा का दर्शन। भाई बहनों, इसलिए आपको बुलाया कि आप सब के मन में सेवा की बहुत ऊंची भावना है। अलग अलग जिलों से, अलग अलग तहसीलों से, अलग अलग गांवों से, पूरे नॉर्थ ईस्ट से, दो दो दिन लग जाते हैं यहाँ तक ही पहुँचने में गुवाहाटी तक, उधर नागालैंड से, असम, त्रिपुरा से, मेघालय से, अरुणाचल से, सिक्किम से, सब जगह से। इधर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को बुलाया गया कि अभी एक बड़ी जिम्मेदारी निभानी है, दो काम करने हैं अब अपने को। एक, 23 मार्च को राजगुरु सुखदेव और शहीद आजम भगत सिंह के बलिदान दिवस पर, शहीदी दिवस बोलते हैं 23 मार्च को, एक ही साथ तीनों को फांसी हुई थी, 23 मार्च को शहीदी दिवस पर पूरे हिंदुस्तान में करीब 10 करोड़ से ज्यादा लोग एक साथ योग करेंगे। ये योग का इतिहास पूरी दुनिया में, भारत की प्रतिष्ठा गिरा दी है लोगों ने, पूरी दुनिया को सबसे पहले संस्कृति और सभ्यता देने वाला, शिक्षा चिकित्सा का बोध देने वाला, हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, सोशल सिस्टम, फैमिली सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, पूरी दुनिया को सबसे पहले ज्ञान देने वाला, पूरी दुनिया को प्रकाश देने वाला, पूरी दुनिया को दिशा देने वाला, विश्व का हर क्षेत्र में नेतृत्व करने वाला भारत आज कहां खड़ा हो गया, इतना महान देश। अरे 500 साल पहले का अमेरिका का इतिहास ही नहीं पता, 2000 साल पहले यूरोप का इतिहास नहीं पता, 1400 साल पहले मिडल ईस्ट में क्या था, गल्फ कंट्रीज में, सऊदी अरबिया में क्या था, इतिहास का ही ज्यादा बोध नहीं है। 1400 साल पहले जो है इस्लामिक कंट्रीज में क्या था, 2000 साल पहले यूरोपियन कंट्रीज में क्या था, 500 साल पहले अमेरिका में क्या था, 4-5 हजार सालों में पूरी दुनिया की संस्कृति और सभ्यताएं सिमट जाती हैं,
एक अरब 96,83,114 वर्षों से जिस देश की पावनी संस्कृति है वो हमारा भारत वर्ष है, उसके ऊपर गौरव होना चाहिए। और योग आयुर्वेद और ये वैदिक ज्ञान अपने ऋषियों की देन है पूरी दुनिया को, उसको अपने को जमीन पर दिखाना है। इसके लिए अभी 2 महीने तैयारी करनी है, जनवरी और फरवरी, 1 मार्च से डोर टू डोर कैंपेन करना है, लोगों को इनवाइट करने जाना है। अरे आप अपने घर में भी कोई फंक्शन होता है तो लोगों को बुलाते हैं तो कितने लोग आ जाते हैं? 400-500 लोग आ जाते हैं ना। जब आपके घर के फंक्शन में 400-500 लोग आ जाते हैं, जब हमारे हजारों कार्यकर्ता लाखों लोगों के घरों में जा करके, हमारा मकसद है, मोदी जी ने तो कहा 10 करोड़ लोगों तक जाने, घरों तक जाने का लक्ष्य बनाओ, मैंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा 20 करोड़ घरों तक जाने का लक्ष्य बनाना। लक्ष्य नहीं बनाना, जाना ही है। और एक बार नहीं, एक बार तो योग महोत्सव से पहले जाना है, 1 मार्च से, और 17 मार्च को होली है, उससे पहले निमंत्रण का काम पूरा हो जाना चाहिए। 17 मार्च से फिर योग सप्ताह शुरू हो जाएगा। 1 मार्च से 17 मार्च तक, होली तक, हर घर घर में जाकर के अपने को, लोगों को इनवाइट करना है, निमंत्रित आमंत्रित करना है, आओ योग करेंगे एक दिन सब। और पहले जो सब आ चुके हैं तो जिस घर में पहले जो आ चुके, 12 करोड़ के करीब तो लोग आ चुके हैं ना, ओके, हाँ मैं तो पहले भी बाबा जी के कार्यक्रम में गया था। कहाँ कर रहे हो? यही कर रहे हैं। तो बोल क्या बाबा जी? अरे बोले नहीं बाबा जी, तो एक ही जगह रहेंगे, दिल्ली में कम से कम 20-25 लाख लोगों के साथ हम योग करेंगे, और आप पूरे देश में। जब मेरे पास 20-25 लाख होंगे तो आपके पास भी 25,000-50,000 एक एक जिले में होंगे, लोगों को बुलाना है। और न भूतो न भविष्यति, फिर से पूरी दुनिया को भारत की आध्यात्मिक शक्ति का बोध कराना।